वसीयत आपके वित्तीय जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आपकी पारिवारिक संरचना विविध है और आप अपनी संपत्ति को परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी वसीयत जरूर तैयार कर लेनी चाहिए। तहसील सदर के रजिस्ट्रार कानून गोश शांति स्वरूप ने बताया कि किसी संपत्ति के विक्रय के समय परिवार के सदस्य को अपने संबंधों के बारे में सबूत पेश करना होता है। संपत्ति के नियम में भी परेशानियां आती हैं तथा लोन आदि कराने के लिए कई नामों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बचने के लिए वसीयत करना बेहद ज़रूरी है। वसीयत बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो वसीयत का कोई परिभाषित प्राप्त नहीं है। इसमें तो व्यक्ति अपने मन मुताबिक अपनी संपत्ति को जिसको देना चाहे उसके नाम कर सकता है। फिर भी कुछ बातें वसीयत में लिखनी चाहिए, जिससे बाद में उक्त वसीयत को कोई चुनौती नहीं दे सके। वसीयत उनके रिलेशन में होती है और वसीयत जैसे रजिस्टर्ड होगी तो उसका भी वो ही मूल वसीयत ही रजिस्टर्ड और उसका दाखिल ये कब अमल में लाई जाती है? ये वसीयत करता है जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अमल लाई जाती है और उसमें वसीयत करता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लिया जाता है। तो किस तरह का बहुत अहम दस्तावेज है रजिस्टर्ड वसीयत को, क्या इस तरह से बैनामा के कंपेरिजन हम देख सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि बैनामा अलग चीज है, वसीयत अलग चीज़ है। वैसे वैसे वसीयत का भी रजिस्टर्ड वसीयत का ही दाखिला कर देता है, अनरजिस्टर्ड का। वसीयत को जिस तरह से मृतक है जो अपने जैसे चार बेटे हैं तो दो को अपनी संपत्ति देना चाहता है तो वो दो को ही रजिस्टर्ड वसीयत हो जाती है, दो को ही मिलेगा दाखिला करें, दो का ही होगा, दो का ही। ऐसे या वो अपनी पत्नी के लिए कर देता है या किसी अपने परिवार में कर देता है तो वो दाखिला कराने की प्रक्रिया तो उसी की होगी, और जो और बाहर छूट जाते हैं वो अपनी अलग प्रक्रिया है। ऑनलाइन खतौनी का भी सिस्टम है, जैसे अभी आम लोग इसकी किस तरह की प्रक्रिया है, इसका क्या कहना? ऑनलाइन खतौनी तो सब जानकारी है, अब तो मोबाइल पे भी आ रहा है, सब चीज़ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो आदमी अब जागरूक हो गया है। अपने आप मोबाइल खोल के भी देख लेता है कि मेरा ये खाता है और इंडिया में कहीं भी बैठ के मोबाइल से निकल सकता है। इस दौरान तहसील सदर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि शुरुआत में घोषणा वसीयत बनाते समय सबसे पहले अपने बारे में व अपने परिवार के बारे में पूर्णता बताना चाहिए, जैसे कि आपका नाम व आपके परिवार में कौन कौन है व आपकी उम्र क्या है व आप अपने पुत्र व पुत्रियों का विवाह कर चुके हैं या नहीं और आपके साथ कौन कौन रहता है आदि। अपनी मनोस्थिति का विवरण ये एक बेहद जरूरी घोषणा है जो कि वसीयत में जरूर लिखनी चाहिए, जिसमें आपको अपने मानसिक रूप से स्वस्थ होने की घोषणा करनी होती है, जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद भविष्य में नहीं कर सके। जिसमें आमतौर पर लिखा जाता है कि आप मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं और आपकी समस्त इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं और आपको अपने भले बुरे व नफे नुकसान का पूर्ण ज्ञान है और बिना किसी के बहकावे व सिखाए में व किसी दबाव नाजायन के पूर्ण होशो हवास में वह बिना किसी नशीली वस्तु का सेवन किए हुए वसीयत कर रहे हैं। संपत्ति व दस्तावेजों का पूर्ण विवरण उक्त के बाद अब आपको अपनी संपत्तियों का विवरण जिनकी वसीयत आप करना चाहते हैं, एक से अधिक संपत्ति अथवा समस्त संपत्तियों को वसीयत अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे आपका मकान व दुकान व जायदाद एवं सोना व चांदी के जेवर एवं FDR घरेलू सामान, बैंक अकाउंट, वाहन बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर्स कंपनी व पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी, बॉन्ड्स आदि चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण दे सकते हैं। स्वामित्व का विवरण अब आपको ये उल्लेख करना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का स्वामित्व किसके पास होना चाहिए। आप चाहें तो किसी एक को अपना, एक से अधिक व्यक्तियों को अपनी संपत्ति दे सकते हैं और कौन कौन आपकी सेवा शुश आदि करता है और ये सब आपकी इच्छा अनुसार होगा कि आप किसके हक में अपनी वसीयत करना चाहते हैं। यदि आप अपनी संपत्ति किसी अव्यवस्था को देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी संपत्ति का कोई संरक्षक नियुक्त कर दें। जब तक आपने जिस व्यक्ति को चुना है ये व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता। आप चाहें तो अपनी संपत्ति अपने परिवार के एवं परिवार से बाहर के सदस्य को भी दे सकते हैं अथवा किसी संस्था आदि को भी दे सकते हैं। किसी संपत्ति का विवरण आपने नहीं लिया है तो इस वसीयत में आप नीचे लिख सकते हैं कि जो संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल हो, जो कि इस वसीयत नामा में लिखने से रह गई है, उन सब का स्वामी जिसको आप बनाना चाहें बना सकते हैं।
जिससे आपकी संपत्तियों व्यर्थ के बाद विवादों में नहीं आए। वसीयत एक जैसे मरने उपरांत लागू होता है। हमने किसी प्रॉपर्टी की वसीयत करी और उसके 3 बेटे 2 बेटियां हैं, तो हमें उस वसीयत में के माध्यम से सभी को कुछ ना कुछ शेयर देना है। अगर हम डायरेक्ट किसी के नाम में एक वसीयत कर देते हैं वो इल्लीगल मानी जाती है, जो कोर्ट के नियमानुसार है। यहाँ पर क्या है कि एक के नाम से हमने वसीयत कर दी तो कोर्ट उसे इल्लीगल कहेगा कि 3 और बच्चे भी तो थे, 4 और भी तो बच्चे थे। तो इस वसीयत में हम लोग ये खोलते हैं कि यहाँ पर 2 बेटे और हैं, उनको हम कुछ ना कुछ जैसे नगद शेयर दें या किसी और को मकान दें या और कुछ दें, जैसे लड़कियों को शादी में जो कुछ भी देना था सो दे दिया। इस तरीके से खोलना अति आवश्यक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं खोलते हैं तो जब वो उसकी जो व्यक्ति है वसीयत करने वाला वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उस पर ज़रूर कोई ना कोई आपत्तियाँ आती हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विमल कुमार तिवारी ने रजिस्टर्ड वसीयत के मामले को लेकर कुछ इस तरह बताया कि वसीयत पर हस्ताक्षर करना, एक बार जब आपकी वसीयत पूरी हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अपनी वसीयत को अच्छी तरह भांति समझ में एवं सभी तथ्यों का गहन तरीके से अध्ययन कर लें और उसके पश्चात वसीयतकर्ता अपने स्वयं के हस्ताक्षर और निमानी तौर अंगूठा लगा दें ताकि भविष्य में इसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने में आपको आसानी रहे। साथ ही कम से कम 2 स्वतंत्र वादों के भी हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जो ये प्रमाणित करेंगे कि उनकी उपस्थिति में आपने वसीयत निष्पादित की है और वसीयत के नीचे तारीख एवं स्थान काफ़ी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। वसीयत में चुनते वक्त ये भी महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गवाह हो वह उक्त वसीयत में प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं हो, वह सिर्फ यही प्रमाणित करें कि आपने स्वयं उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए। हमारी नज़र में वसीयत का कोई अभी तक ऐसा औपचारिक नहीं है जिसमें ये रजिस्टर्ड होना ही जरूरी है, क्योंकि वसीयत का मतलब सही मायने में क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे गाँव देहात में व्यक्ति अगर वो अचानक वहाँ बीमार पड़ा हुआ है और वो ख़त्म होने वाला है और वो कह के जाता है कि ये छोटा वाला मकान उसको दे देना, ये जायदाद, तो वो भी एक वसीयत होती है। केवल 420 जो होती थी उसको रोकने के लिए ये यहाँ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, केवल इन्होंने अपनी विधान परिषद में जो भी बनाया हो, लेकिन कानून के तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति सादे कागज़ पर लिख जाए या मुँह से कह जाए या बता जाए, मरने से पहले जो व्यक्ति कह जाएगा उसको वसीयत हम मान्य करते हैं। वसीयत को रजिस्टर्ड कराना क्यों जरूरी है? वर्तमान समय में देखा गया है कि आम तौर पर लोग वसीयत को लेकर काफी सजग हो चुके हैं और चाहते हैं कि उनकी संपत्ति खराब एवं बर्बाद होने से बचे, इसलिए वसीयत रजिस्टर्ड कराना आज के समय में बेहद जरूरी है। वैसे तो कानूनी रूप से अरजिस्टर्ड वसीयत की भी मान्यता है, परंतु कई बार ये विवादों में फंस जाती है और ऋण लेने की करने आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सब रजिस्ट्रार के सम्मुख उचित फीस जमा करके रजिस्टर्ड वसीयत की अहमियत को समझते हुए वसीयत रजिस्टर्ड जरूर निष्पादित करानी चाहिए जो कि कानूनी तौर पर मान्य है। वसीयत बदलना, वसीयत करने के बाद यदि वसीयतकर्ता के मन में विचार आता है अथवा उसको भविष्य में आभास होता है कि जो वसीयत उसने निष्पादित की है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो वह अपने जीवन काल में जब भी चाहे किसी भी कार्यकारी दिवस पर रजिस्ट्रार के यहाँ नई वसीयत बनाकर रजिस्टर करा सकते हैं तथा पुरानी वसीयत को खंडित कर सकते हैं। आगरा तहसील सदर से दर्पण न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।